बिहार की सबसे बड़ी खबर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के रोसड़ा के समीप विरहा रोड ढड़ा गांव में विभूतिपुर के विधायक कॉमरेड अजय कुमार पर जो समस्तीपुर पार्टी ऑफिस पर हमला हुआ, जिसमें विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार बाल बाल बचे और उनके बॉडीगार्ड पर जो भी हमला हुआ, इसके विरोध में CPIM के तमाम नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और उनका कहना है कि अगर पुलिस उन विधायक अजय कुमार पर हमला करने वाले अपराधी को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोगों का आंदोलन तेज चलेगा। वर्तमान सरकार की रवैया कर CPIM के तमाम नेता काफी निंदा कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पुतला दहन के समय नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। पीटर उस बिहार के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। दहन क्यों कर रहे? देखिए, आज इस पुतला दहन का जो उद्देश्य है, 29 तारीख को रात्रि 10 बजे CPIM समस्तीपुर पार्टी कार्यालय पर 2 दर्जन से ऊपर गुंडा तत्व के द्वारा हमला किया गया, जिस हमला में हमारे CPIM के विधायक दल के नेता अजय कुमार हैं, उनके गाड़ी को क्षति किया गया, उनके ऊपर में जानलेवा हमला किया गया। उनको बचाने के लिए उनके जो बॉडीगार्ड हैं अनिल कुमार वो आए, उनके ऊपर में कातिलाना हमला करके उनको घायल कर दिया गया और विधायक दल के नेता अजय कुमार के ऊपर में जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हमारे विधायक दल के नेता अजय कुमार बाल बाल अपने जान को बचा करके वहाँ से ऊपर अपने दूसरे मंजिल पर जा करके अपना जान बचाए। इस दफा लेकर के 1 महीना के अंदर में 2-2 बार विधायक के ऊपर में जो है जानलेवा हमला किया गया। आज गांवपुर में उजियारपुर के गांवपुर में भी विधायक जब रात्रि के समय 10 बजे में आ रहे थे तो मोटरसाइकिल से कुछ गुंडा तत्व जो है विधायक अजय कुमार को पीछा करके उनको घेर करके उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनके ऊपर में हमला करने का प्रयास किया गया, जिसका FIR जो है प्रशासन समस्ती वहाँ उजियारपुर थाना में दिया गया। आज तक उस गुंडा को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ तक कि 29 तारीख को 10 बजे रात्रि में भी 2 दर्जन से ऊपर लोग मिल करके और समस्तीपुर पार्टी दफ्तर पर और विधायक दल के नेता अजय कुमार उनके ऊपर में हमला किया गया। आज पूरे बिहार के अंदर में इसके विरुद्ध पुलिस गुंडा सांठगांठ जो है, इसके विरुद्ध पूरे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है और मैं मांग करता हूं, जो अगर गुंडा तत्व को गिरफ्तारी नहीं किया गया, हमलावर को गिरफ्तारी नहीं किया गया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रोसड़ा लोकल कमेटी यहीं पर SH88 को अनिश्चितकाल चक्का जाम करके और रो चक्का जाम करने का काम किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। मुकेश कुमार राय, CPIM रोसड़ा लोकल सचिव, मुकेश कुमार।